हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया ब्रेकफास्ट, क्रंची और टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ब्रेड ली है और ये मैंने ली है छोटे साइज़ की, चाहे तो आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। तो गिलास, कटोरी कुछ भी लें, उससे इस तरह से कट लगा लें। तो ये सबसे बड़ा पीस मैंने काटा है और उससे छोटा साइज़ लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने बड़े छोटे काट लिए हैं और इस कढ़ाई रख दी है गैस पे, और इसमें मैंने डाला है एक चम्मच तेल। तेल बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे और जैसे ही ये गर्म हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंने डाला है हरा धनिया। तो इसको सॉफ्ट होने तक चलाएंगे और मैगी डालकर इसे पका लेंगे, जैसे मैगी पकाते हैं सूखी। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया है और अब ले लेते हैं हम ये ब्रेड के स्लाइस, जो ये मैंने बड़े छोटे पीस में काटे हैं। तो ये बड़े वाले में साइड से लगा लेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल इस तरह से, और ये रिंग को इस तरह रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, चिपका लेंगे। ये हमें एक बाउल की तरह बनाना है। और अब डाल देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, फिर से किनारे लगा लूँगी मैं और दूसरा रिंग रख लूँगी। तो अब लगा लूँगी मैं इसमें चिली सॉस। तो चिली सॉस लगा लिया है और अब डाल देंगे इसमें मैगी और बारीक कटा हुआ प्याज, और ऊपर से फिर से मैंने इसमें इमली की चटनी डाली है, और इसे बड़े स्लाइस से पैक कर देंगे इस तरह से, हल्का दबा जरूर। और अब चारों तरफ इसके कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे। ये क्या है, चिपकाने का काम करेगा, और बिल्कुल गीला कर देंगे चारों तरफ से इसको। और ये मैंने ब्रेड की किनारी जो ली थी, मिक्सी में पीस ली थी, इसको चारों तरफ से रब कर लेंगे, बिल्कुल लगाना है इसे, इसी से क्रिस्पन आएगा। तो ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस को कर दिया है मीडियम लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, और बिल्कुल अब इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे पलटने से पहले, ताकि ये ऊपर से हल्का हल्का सिक जाए पहले। तो ये देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गए, और ऊपर से मैं पनीर और थोड़ा सा सॉस लगा रही हूँ। ये वैसे भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।